जय गुरु। परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर चंद्र जी के श्रीअस्थ लिखित सत्यनुसरण के हिंदी अनुवाद। ब्रह्म को जानना, जो वृद्धि प्राप्त होकर सब कुछ होकर वही है ब्रह्म। जगत के समस्त ऐश्वर्य, ज्ञान, प्रेम एवं कर्म जिनके अंदर सहज उच्चरित है और जिनके प्रति आसक्त से मनुष्य का विच्छिन्न जीवन एवं जगत के समस्त विरोधों का चरम समाधान लाभ होता है, वे ही है मनुष्य के भगवान। भगवान को जानने का अर्थ ही है समस्त को समझाना या जानना। किसी मूर्त आदर्श में जिनकी कर्म अटूट आसक्ति ने समय या सीमा को अतिक्रम कर उन्हें सहज भाव से भगवान बना दिया है, जिनके काव्य दर्शन एवं विज्ञान मन के भले बुरे विच्छिन्न संस्कारों को भेद कर उस आदर्श में ही सार्थक हो उठे, वे ही है सद्गुरु। जिनका मन सत या एकाशक्ति से पूर्ण है, वे ही सत या सती है। आदर्श में मन को सम्यक प्रकार से न्यास करने का नाम है संन्यास। किसी विषय में मन के सम्यक भाव से लगे रहने का नाम है समाधि। नाम मनुष्य को तीक्ष्ण बनाता है और ध्यान मनुष्य को स्थिर और ग्रहणक्षम बनाता है। ध्यान का अर्थ है किसी एक की चिंता में लगे रहना और उसे ही हम बोध कर सकते हैं, जो कि हमारे लगे रहने में विक्षेप ले आता है किंतु भंग नहीं कर सकता है। विरक्त होने का अर्थ है विक्षिप्त होना, तीक्ष्ण हो किंतु स्थिर हो, समस्त अनुभव कर पाओगे। जिस किसी में युक्त होने या एकमुखी आसक्ति का नाम है योग। जिस किसी के द्वारा प्रतिहत होने पर जो अपने को प्रतिष्ठित करना चाहता है, वही है अहं या सेल्फ। अहंक को सख्त करने का अर्थ ही है दूसरे को नहीं जानना। वस्तु विषयक सम्यक दर्शन द्वारा तन्मनन से मन की निवृत्ति जिन्हें हुई है, वही है ऋषि। मन के सभी प्रकार की ग्रंथियों का या संस्कार का समाधान या मोचन होकर एक में सार्थक होना ही है मुक्ति। जो भाव एवं कर्म मनुष्य को कारणमुखी बना देते हैं, वही है आध्यात्मिकता। जो तुलना अंतर्निहित कारण को प्रस्फुटित कर देती है, वही है प्रकृत विचार। किसी वस्तु को लक्ष्य करके उसका स्वरूप निर्देशक विश्लेषण ही है युक्ति। कोई काम करके विचार द्वारा उसके भले बुरे को अनुभव कर जिस ताप के कारण बुराई से विरति आती है, वही है अनुताप। जहाँ गमन करने से मन की ग्रंथि का मोचन या समाधान होता है, वही है तीर्थ। जो करने से अस्तित्व की रक्षा होती है, वही है पुण्य। जो करने से पतित होता है, वही है पाप। जिसका अस्तित्व एवं उसका विकास है, वही है सत्य आर्यन। जो धारणा करने से मन का निजत्व अखंड रहता है, वही है असीम। जो धारणा करने से मन निजस्व को खो बैठता है, वही है अनंत या असीम। जय गुरु।